हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो भाभी की घर आके भाभी के गिफ्ट से आज का ब्लॉग फिर से एक स्टार्ट करती हूँ। तो ये भाभी ने ब्लाउज मेरे लिए खरीद के रखा था कोरियर करने के लिए, तो कोरियर मैंने हैंड टू हैंड ही ले लिया। तो यहीं से स्टार्ट करती हूँ फिर से एक ब्लॉग आज की। तो चलो भाभी, देखो सुई धागा लेके बैठ गई फिटिंग करने के लिए कि फिटिंग करेगी और एकदम फिट एकदम। अगर किसी को भाभी से अगर बैरकपुर में रहते हो सिलाई कराना है ब्लाउज, एक से बढ़कर एक ब्लाउज सिलाई करती है मेरी भाभी, और फॉल वगैरह पीको हर चीज़ करती है, सब कुछ टोटल ब्लाउज का काम मेरे भाभी करती है। अगर किसी को करना है तो कर लेना अगर बैरकपुर में रहते हो तो, बाकी तो जो नहीं रहते हो तो कैसे होगा। तो अभी हमने चाय वाय तो पी लिया और ये अभी होगी फिटिंग क्योंकि ये पहनना है मुझे कल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और देखो गुड इवनिंग मतलब क्या, 9 बज रहे हैं अभी और अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, थोड़ा पूजा देखने। तो ब्लॉग तो स्टार्ट किया था तो सोचा कहीं जाऊंगी नहीं, तो भाभी बोले चल थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं, तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं। और वो सब देखो आ रहे हैं और मैं आगे आगे चल रही हूँ, और चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। भाभी का आसपास थोड़ा सा घूमते हैं, है ना। तो चलो, भाभी ने ब्लाउज़ दिया, बहुत मेरा मन बहुत खुश हो गया ब्लाउज़ देख के, इतना अच्छा ब्लाउज़ था, कलर बोलो डिज़ाइन बोलो एकदम परफेक्ट। तो चलो चलते हैं, देखते कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं। और भाभी का सामने ये मछली मार्केट है, ये मछली मार्केट है और ये है पानी का टैंक, ये पानी का टैंक है जो पानी सप्लाई। तो पार्टी पार्टी, तो ये देखो मदर टेरेसा और दिन में होता तो बहुत अच्छा लगता है ये जगह। जाने जाने ना जाने नजर में तो क्यों, देखो कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ, चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग। ये कलकत्ता का एक अलग चीज है रौनक, यहाँ पे मंदिर है। বলতে পারবে যারা देखो गर्मा गर्म रोटी बन रहे हैं, गर्मा गर्म रोटी। जिसको भी खाना होगा बैरकपुर में आके कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर होगा। और बैरकपुर में ये दादा को तो बहुत लोग जानते होंगे, और ये
देखो इतना अच्छा अच्छा फुलका फुलका रोटी, इन रोटी की ऑर्डर देना हो कुछ भी, बैरकपुर के पास ही है, बिल्कुल बैरकपुर में ही है। और रोटी देखो एक एक तो इतना बड़ा रोटी और रुमाल रोटी जैसा पतला पतला, देखो ये भोकला, देखो इसकी दांत है ही नहीं, देखो सब कुछ देख के अब जा रहे घर। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जा रही है, बस इधर से उधर से हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं। तो चारों तरफ का गली लाइट देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा घूमना पुराने रोड पे। तो अब जा रहे घर। तो थोड़ा भाभी का भाई के घर गई थी और भाभी का पुराना मकान के सामने गई थी जहाँ पे पूजा हो रहा था, वहाँ पे भाभी का पुराना मकान है, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था दीदी नंबर वन, तो वही देख रही थी। हम घर आ गई तो देखो बात करते करते घर पहुँच गई। भाभी का घर तो एकदम पास में ही है, एकदम मार्केट का साथ भाभी का घर है, एकदम रोड पे पार्क, पार्क के साथ। तो आ गई हूँ घर। ये वाला सामने मॉल है, ये सुपर मॉल, सुपर मॉल के पास भाभी का घर, घर पे आ गई। ये पार्क है सामने घर, चलो घर आ गए। ये चॉकलेट इसका, ठीक है तो इनका ये जल्दी कितना कौन खाएगा, टाइमर भी लगा हुआ है ये फोन पे, ये देखो कौन खा रहा है जल्दी जल्दी खाओ, किस गला हुआ चॉकलेट। थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए था, तुम लोग तो फटाफट मुंह में डाल दिए, अब खा नहीं पा रहे हो। तो देखो भाभी कर रही है दामाद की सेवा सासू माँ बन के। तो ये देखो चावल निकाला, चावल दाल बनाया, अभी क्या क्या बनाया तो देखा नहीं, पर भाभी का भी एक चैलेंज है बंगाली हेसल, तो वो मेरे साथ भाभी जब आएगी तो देखना, भाभी का भी चैलेंज है एक, कल बताऊंगी पूरा डिटेल्स में। आज देखो क्या क्या बनाए हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाती है, बंगाली खाना अगर जानना है तो भाभी का चैनल में मिल जाएगा। एकदम तरीके से बंगाली तरीके से चावल डाला जा रहा है, जिस तरह से एकदम हम लोग डालते घर पे तो है ही नहीं। देखो बंगाली का फिश ना हो तो बंगाली का खाने का मजा तो आता ही नहीं है, तो फिश बनाए हैं और इतने सारे दे रहे हैं, कितना सारा, मतलब ना बंगाली हेसल का जो खाना है ना, अगर खाना हो तो कभी बैरकपुर में आना ही पड़ेगा, बैरकपुर आओ बंगाली हेसल का खाना खाओ। देखो ये बेटी का थाली है, थोड़ी सी ये सब्जी है तो खाएगी नहीं है, फिर भी दिया दाल चिकन चावल, और हमारे में एक सब्जी बैगन का भुजिया, दाल फिश, फिर चिकन, कितना खाएंगे पता नहीं, देते ही जा रहे हैं। तो चलो सब खा लेते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ अभी खाने के लिए, बेटी भी बैठ गई, हस्बैंड मेरे, मैं बैठ जाती हूँ थाली लेके, मेरा इतना खा लिया, इतना खा लिया कि सीधा आके बिस्तर में लेट गई। बाप रे इतना खाना बनाया भाभी ने, इतना खाना बनाया, मछली बनाया दो तरीके का, चिकन बनाया, दाल बनाया, भुजिया बनाया, इतना बनाया, रात को इतना खाया जाता है। और खाने को तो खाओ खाए, ऐसा नहीं नहीं खाए, पर बेटा मेरा वहाँ पे है ना, तो मेरा बेटा खाना तो बना ही नहीं पाता है,
तो मुझे अभी चिंता हो रहा है कैसे खाएगा कैसे बनाएगा। बोले मम्मी वीडियो करके बताना, वीडियो कॉल पे बताना कैसे कैसे बनेगा। अब बताओ क्या करूँ, सब तो रख के आई हूँ, सब कुछ बना के। इजी खाना भी है दाल चावल, इजी खाना अंडे चावल, अंडे कड़ी बना के चावल बना लो। तो देखते हैं कल बताऊंगी वीडियो कॉल करके कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा। ये चिंता हो रहा है क्या खाएगा मेरा बच्चा। थोड़ा मतलब ये सबसे बड़ा मेरा चिंता हुआ कि मेरा बेटा कैसे खाएगा एक टाइम दो टाइम तीन टाइम, तीन टाइम का खाना। चलो बहुत चिंता हो रही है मेरे आप। चलो भगवान से प्रे कर लो आप भी मैं भी क्यों खाना बनाना सीख जाए, खाना बना ले, आपके बार वो खाना बना ले। थोड़ा तो कर ही रहा है और थोड़ा करके सीख जाए। चावल बना लिया था और थोड़ा सीख गए थे, अब पूरा सीख जाए तो मुझे ऐसे लगे कि हाँ मैं सीख गया। तो चलो गुड नाइट, फिर मिलूँगी कल नया ब्लॉग लेके आपके साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना। टाटा बाय बाय। मैं लेट लेट के बात कर रही हूँ, इतना मन भी नहीं लग रहा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ।